नमस्कार, दीक्षित जी स्पीक्स वीडियो चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर देखने और सुनने वालों का कार्यक्रम में स्वागत और अनिल दीक्षित का प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान वर्ष हमारी स्वतंत्रता का हीरक जयंती वर्ष है और इस वर्ष को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हम 1947 से अभी तक के बैंकिंग क्षेत्रों के विकास विषय पर चर्चा हेतु एक कार्यक्रम को दो कड़ियों में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पहली कड़ी हम पिछले शनिवार को प्रस्तुत कर चुके हैं। आज प्रस्तुत कर रहे हैं हम कार्यक्रम की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम के विषय में अपनी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार है। वर्तमान समय में हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, 22 प्राइवेट बैंक हैं, 46 फॉरेन बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक की कुल मिलाकर 1,20,000 शाखाएं काम कर रही हैं। इन बैंकों की कुल संपत्ति 2.48 ट्रिलियन डॉलर है। इनका कुल जमा 2.06 ट्रिलियन डॉलर है। इसके अतिरिक्त 2,13,145 ऑटोमेटिक टेलर मशीनें भी काम कर रही हैं। 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के समय 10 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को भी लाइसेंस दिए गए। कुछ विदेशी बैंकों को भी देश में शाखाएं खोलने की इजाज़त दी गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा जन जन तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए 43.81 करोड़ खाते खोले गए। देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो कि इन बैंकों में जमा है 620.2 बिलियन यूएस डॉलर है। पिछले दो वर्षों में कोरोना नामक महामारी के बाद भी पब्लिक सेक्टर बैंकों का NPA 12%, प्राइवेट बैंकों का 5%, विदेशी बैंकों का 3% और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों का 12% रहा, जो कि सुधार की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। सभी राष्ट्रीय बैंकों की उत्पादकता उनके राष्ट्रीयकरण के बाद से अत्यधिक बढ़ी है। सभी सरकारी बैंकों ने व्यवसाय और सामाजिक सुधार के सरकार के कार्यों को बहुत ही कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, खाद, बीज आदि के लिए जो लोन मुहैया कराए हैं उसके द्वारा ही हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति हुई सन 1969 और उसके पहले हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। अब हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और दूसरे देशों को खाद्यान्न निर्यात भी कर रहा है। ये सब राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से ही संभव हो चुका है। लघु, मध्यम, सूक्ष्म इंटरप्राइजेस में भी इन बैंकों ने महती भूमिका निभाई है। तो हमारे बैंकों की ये प्रगति जो हमने अत्यंत संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा टिप्पणी से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने परिवारजनों, मित्रों, सभी का ख्याल रखिएगा।